देखो इस वीडियो के अंदर मैं उन पांच कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये वीडियो होने वाला है 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कारों के ऊपर जिनकी कीमत सुनकर आपके तो होश उड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इनमें से दो कारें ऐसे भी है जिनको खरीदा है फुटबॉल के फेमस प्लेयर रोनाल्डो ने। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो 5th नंबर की कार आती है जो की मोस्ट एक्सपेंसिव कार है पूरी दुनिया में, वो है बुगाटी की सेंटोडियासी। हालांकि इसका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अजीब है, इसका नाम भी काफी अजीब रखा है बुगाटी कंपनी ने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, बुगाटी कंपनी ने इस कार के सिर्फ 10 यूनिट्स बनाए थे और 10 के 10 ही यूनिट्स बेचे गए हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर ये कार काफी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो इस कार के अंदर बुगाटी कंपनी ने 8.0 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 1600 पीएस की पावर यानी 1578 बीएचपी की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर इसका जो इंजन है काफी ज्यादा पावरफुल है और 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने में इस कार को सिर्फ 2.4 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा तेज भागती है और इसका टॉप स्पीड है 240 माइल पर आवर का, यानी 380 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से ये कार भाग सकती है। तो यहाँ पर इसका टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन आपके सामने है। और इसको ओन किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, इसको 2020 में इन्होंने परचेस किया था और उनके गैराज में ये कार आपको देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत बुगाटी कंपनी ने रखी थी 8.6 मिलियन पाउंड, यानी इंडियन करेंसी में ये प्राइस हो जाती है लगभग 68 करोड़ रुपीज, यानी 68 करोड़ रुपीज के सिर्फ ऐसी 10 कारें बनाई गई थी बुगाटी कंपनी की तरफ से जिसको फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओन करते हैं। जो 4th नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव कार आती है वो है रोल्स रॉयल्स की स्वेप्टाइल। हालांकि रोल्स रॉयल्स कंपनी ने इस कार को 2017 में बनाया था, यानी इसको 2017 में लॉन्च किया था। इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसका एक्सटर्नल लुक आप देख सकते हैं, दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। इसके अंदर 6.7 लीटर का V12 इंजन दिया हुआ है जो कि लगभग 453 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने में इस कार को 5.6 सेकंड का टाइम लगता है। वही इसका टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर का। वही ये कार लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। अगर आप इस कार को डेली यूज के लिए लेते हो तो आपको खुद का पेट्रोल पंप डालना पड़ेगा। इस कार की कीमत रोल्स रॉयल्स कंपनी ने रखी थी 13 मिलियन US डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाती है लगभग 98 करोड़ रुपीज, यानी 100 करोड़ रुपए के आसपास इस कार की कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। काफी ज्यादा ये पैसे है। हालांकि रोल्स रॉयल्स कंपनी जानी जाती है लग्जरी कारों के लिए। वही जो 3rd नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव कार आती है वो है पगानी जोंडा HP बर्चेटा। हालांकि नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पगानी कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 1999 में शोकेस किया था। उसके बाद इसके कुछ मॉडल्स को रिलीज किया, लेकिन 2019 में HP बर्चेटा इस मॉडल को लॉन्च किया गया जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी। हालांकि पगानी कंपनी ने इसके अंदर बहुत ही पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और ये इंजन मर्सिडीज कंपनी बनाती है। 8.0 लीटर V12 इंजन इसके अंदर दिया हुआ था जिसकी मदद से ये कार लगभग 355 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। इस कार को 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने में 3.1 सेकंड का टाइम लग जाता है और इस कार के टोटल 3 यूनिट्स बनाए गए थे। तो पूरी दुनिया में इस कार के आपको सिर्फ 3 यूनिट्स मिलेंगे जिसकी कीमत कंपनी ने रखी थी 15 मिलियन US डॉलर, यानी इसकी कीमत थी 121 करोड़ इंडियन करेंसी में। वही जो 2nd नंबर की मोस्ट एक्सपेंसिव कार आती है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है बुगाटी की ला वॉयचर नायरो। तो यहाँ पर बुगाटी की ये सिर्फ इकलौती ऐसी कार है जिसका सिर्फ एक मॉडल बनाया गया है और इसको ओन किया है रोनाल्डो ने। बुगाटी कंपनी ने इस कार के अंदर 8.0 लीटर W16 इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 1577 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। इस कार का टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर पर आवर का और 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने में इस कार को 2.5 सेकंड का टाइम लग जाता है। इस कार की कीमत बताई जाती है 18 मिलियन US डॉलर, यानी 136 करोड़ इंडियन करेंसी में। तो इस कार की कीमत काफी ज्यादा है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफी ज्यादा अमीर है। उनकी नेटवर्थ यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। वही जो नंबर 1 पोजीशन पर कार आती है जो कि दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव है, वो है रोल्स रॉयल्स की बोट टेल। इसको मई 2021 में लॉन्च किया गया और इसके सिर्फ 3 यूनिट्स बनाए गए। हालांकि तीनों ही यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। रोल्स रॉयल्स की ये काफी ज्यादा लग्जरियस कार है और इसका इंजन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इसकी कीमत रखी थी 28 मिलियन US डॉलर, जिसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये प्राइस इंडियन करेंसी में हो जाती है 220 करोड़, यानी इस कार की कीमत थी 220 करोड़ और इस कार के सिर्फ 3 यूनिट्स बनाए गए।
हालांकि बिजनेस प्लान इन कार कंपनियों से सीखना चाहिए, लिमिटेड मॉडल बनाते हैं लेकिन पूरा पैसा छाप देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कारें थी जिनके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स भी मिलेंगे और काफी पावरफुल इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। इन 5 कारों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।